नमस्कार दोस्तों, मैं चिंतन निसरता ऑल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर हमारे किसी व्यूवर्स दोस्त ने यह चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नए नए पेड़ पौधे फल सब्जियां वगैरह उगाने के तरीके जानने के लिए हमारा यह चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें और उसके पास में जो घंटी है उसके ऊपर भी एक बार क्लिक कर ले। दोस्तों, आज मैं आपको कोई पौधा उगाने का या कोई पेड़ लगाने का वीडियो नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको जो खाद मैं यूज करता हूं ऑर्गेनिकली फल पेड़ पौधे को उगाने के लिए, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे गार्डन की ओर जहां हम बनाएंगे ऑर्गेनिक खाद। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक छोटा सा गड्ढा। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही गड्ढा बना के रखा है। आप भी आपके बागीचे में या किसी भी जगह पे जहाँ आप पेड़ पौधे उगाते हैं ऐसी जगह पे इस गड्ढे को ऐसे ही खोद के रख दे। और इतना याद रखे कि जो मई जून के बीच का समय है तब हमें यह काम करना है, या तो फिर हमें जून महीने के आधे हो जाने के बाद यह करना है। इसके बाद हमें चाहिए दोस्तों गोबर। ये मैंने गोबर जो ये पात्र में भर के रखा है, ये गाय भैंस का मिक्स है, सूखा हुआ है, क्योंकि गीला हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। अब दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गड्ढा इससे गहरा कर रहा हूं। तो दोस्तों याद रखिए कि मेरे इस प्रोसेस में मैंने एक फीट गहरा गड्ढा रखा था, क्योंकि मेरे पास गोबर की मात्रा इतनी ही थी। आपके पास जितनी गोबर की मात्रा हो उतना गहरा गड्ढा और इतना चौड़ा गड्ढा करें। मैं यहां 2 फीट बाई 2 फीट का और 1 फीट गहरा गड्ढा कर रहा हूं। हमें मिट्टी को साइड में ही रखना है, कहीं दूर नहीं करना है, कि इस मिट्टी का वापस हमें उपयोग करना है। दोस्तों, मैं यहाँ कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं, हम हर हमेशा अपने गांव में करते वही चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा तरीका कुछ अलग है, मेरा तरीका कुछ और है। कि हम गार्डन के अंदर यह चीज करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका, तब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, और आप ये गड्ढा मैं खोद रहा हूं उसके साथ भी आपको एक दूसरी बात बता दूं कि आप एक बड़ी बाल्टी भर के, यहां मेरा गड्ढा 2 फीट बाई 2 फीट का 1 फीट गहरा है, तो मैंने एक बड़ी बाल्टी भर के पानी रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि आप इससे भी ज्यादा मात्रा में पानी ले। अब यहां आप देख सकते हैं कि मैंने सभी गोबर के उपलों को अंदर डाल दिया है। अब उसके अंदर मैं पानी मिक्स कर रहा हूं। अभी मैंने छोटी बाल्टी ही मिक्स किया है, दूसरा मैं ला रहा हूं जो अंदर डालूंगा। आधी बाल्टी के अलावा भी हमें अंदर पानी डालना है, जो मैं अभी डालूंगा 15-20 मिनट के बाद, जिससे क्या होगा कि अभी मैंने जो पानी डाला है वो उसके अंदर चूसा जाए, उसके अंदर समा जाए। दोस्तों, आधे घंटे तक भी अगर राह देखे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मैं दूसरा पानी पूरी बाल्टी भर के डाल रहा हूं, जिसके अंदर ये गोबर है पूरी तरह आ गया है, गोबर के ऊपर तक पानी आ गया। अब इस गोबर को हमें फावड़े या ऐसे ही कोई औजार की मदद से दबा देना है तो यह उस पानी के साथ एक रस होकर घुल जाए और पानी के नीचे के भाग में चला जाए। इसके बाद हमें इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। दोस्तों, याद रहे कि ये 1 फीट गहरा गड्ढा है, तो हमें मिट्टी उस तरह डालनी है कि अंदर हवा अब ना जा सके। इसके बाद आसपास थोड़ा हम ऊंचा टीले जैसा रखेंगे और बीच में थोड़ा गड्ढे जैसा रखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो गड्ढा है उसके ऊपर मिट्टी डाली है तो वो गोबर और बाहर की हवा के बीच के जो जगह है वो पूरी तरह सील हो जाए, सील पैक हो जाए, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया
बंद हो जाए, और यह गोबर 1.5 से 2 महीने के अंदर खाद बन जाए। और दोस्तों एक दूसरी बात जानने जैसी बात यह है कि इस गोबर को हमें उससे भी पहले मिल सकती है खाद, जब केंचुए जो जमीन के अंदर होते हैं बारिश गिरेगी तो वो बाहर निकलेंगे और उनको यह गोबर मिलेगा तो वो खाकर इसको बाहर निकालेंगे मिट्टी के साथ मिश्रण करके। उस मिट्टी को आप किसी भी पौधे को खाद की तरह दे सकते हैं, आप अपने गुलाब के लिए या कोई दूसरे फूलों का जो होता है पॉट उसके अंदर डाल सकते हैं। और यह दुनिया का सबसे बेहतरीन खाद है। यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद।